लेके हमारा झगड़ा चलता है। बीच एक बीजेपी की जिस तरीके से हार हुई कर्नाटक में, बुरी तरीके से हार हुई, कांग्रेस की बंपर जीत हुई, तो आखिर वहां किन मुद्दों को लेके किस तरीके से कांग्रेस गई और जिसकी वजह से राहुल गांधी का जादू चला और वहां पे बंपर रूप से जीती कांग्रेस, इसके बारे में क्या राय आपकी बात है? नहीं देखिए, स्थानीय मुद्दे, विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो स्थानीय मुद्दे उसमें निहित होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे लोकसभा के चुनाव में काम करते हैं। और बीजेपी की चूक यही रही कि वो राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर के वहां खड़ी रही। और जो भ्रष्टाचार कर्नाटक में ही नहीं, यूपी में भ्रष्टाचार है, हम चैलेंज के साथ कह रहे हैं। हम अपनी विधानसभा की बात करें, यहां जेईई एक्सीएम चीफ सारे लोग मिलकर के, वहां तो 40 राहुल जी बता रहे थे ना, यहां उससे कम नहीं है अधिकारी। यहां भी आप किसी मानक से जाके अगर कोई जांच कौन करेगा? वही तो ही राजा, तो ही चोर लिया गडरिया हमारी चोर, जिसके लिए जांच जा रही है वही जो है उसका इंचार्ज है। तो भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, इसी बात को लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी करप्शन की बात कहा है, और उसी करप्शन से पैदा हुआ काला धन स्विस बैंक में जमा हुआ उसको लाने की बात किया, इसी पर न लोगों ने वोट दिया था, नौजवानों को रोजगार की बात कह करके वोट मांगा गया। तो राष्ट्रीय स्तर पे हम रोजगार देंगे, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार की बात, तो ये राष्ट्रीय मुद्दे थे कि नहीं राष्ट्रीय स्तर पे हमको रोजगार मिलेगा। राष्ट्रीय मतलब आप मानते हैं कि राष्ट्रीय जो मुद्दे थे वो फेल हो रहे तरीके से? भाई जो बीजेपी ने बोला तो लागू तो नहीं हुए। अब समय समय पर, अब कोरोना के बाद की कहानी अगर देखा जाए तो छोटी छोटी चीजों को, जिस समय मनरेगा को गड्ढा खोदने की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री जब विपक्ष में थे तब उन्होंने कहा था, मैंने एक वीडियो देखा था जी, और आज मनरेगा एक रोजगार हो गया है। अगर शायद मनरेगा नहीं होता तो मजदूरी नहीं करने को मिलती, ये हालत है। तो जो चीजें बनाई गई हैं, योजनाएं बनाई गई हैं, और बेहतर योजना कैसे हो, इसमें सभी पक्ष और विपक्ष के नेताओं को मिल करके प्रदेश और देश के विकास के लिए मिल करके काम करने की जरूरत है। और लड़ाई लड़ो, जंग में जब चुनाव का बिगुल बजे तो सब लोग तीर निकालो, मारो, बांध जिसको जो लगे, लेकिन मतदाताओं को जब मतदाता एक पक्ष में फैसला दे दे तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का रोल होता है कि सरकार अगर गलत काम कर रही है तो सत्ता